अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी लवर्स। मूविंग हेड टुवर्ड्स टुडेज टॉपिक, इन द प्रीवियस टॉपिक वी हैव डिड द इंट्रोडक्शन अबाउट द कोऑर्डिनेशन एंड द कंट्रोल, एंड नाउ वी विल बी चेकिंग आउट हाउ द कोऑर्डिनेशन इन ऑर्गेनिज्म अकर्स एंड व्हाट इज द मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन द कोऑर्डिनेशन। सो First, move towards the coordination definition. It is the ability to use the different parts of the body together smoothly and efficiently. कि body की ability जिसमें आप different parts को smoothly और efficiently use कर लो, like it is to integrate among different parts of the body and to respond to stimuli in order to keep harmony with the environment. कि आपके जो environment में change होगा, जो stimuli आपको मिलेगा उसके रिस्पांस में जो आप रिएक्ट करोगे, आपकी बॉडी जो रिएक्ट करेगी, जो काम करेगी, जो कोऑर्डिनेट करेगी, जो कोऑपरेट करेगी, दैट इज़ नोन एज कोऑर्डिनेशन। सो कोऑर्डिनेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सो देयर फोर इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वी हैव टू टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, वन इज़ द नर्वस कोऑर्डिनेशन, अदर वन इज़ द केमिकल कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन क्या है? इन द नर्वस कोऑर्डिनेशन नर्वस सिस्टम इज इन्वॉल्व। Why in the chemical coordination, some special sort of chemicals that is known as the hormones, they are involved. The definition of the hormone will be the chemical substance that acts like messenger molecules in the body. Up. नर्वस सिस्टम जो था, नर्वस सिस्टम बना होता है न्यूरॉन से, और न्यूरॉन की मदद से सारे सिग्नल्स ट्रांसफ़र होते हैं, ब्रेट और एक्शन परफॉर्म किया जाता है। जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन में केमिकल्स रिलीज होती हैं जिन्हें हार्मोन कहते हैं, और वो मैसेंजर का रोल प्ले करते हैं। बॉडी में कोई चेंज आ रही है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, इंटरनल एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज आए, उसको डिटेक्ट करेंगे और उसके उसके मैसेज को ट्रांसफ़र करेंगे हमारे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, और वहाँ पर क्या होगा, उसको अफेक्टर जो है वो वहाँ पर उसका रिस्पॉन्स किया जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होता है यहाँ पे कि जो नर्वस सिस्टम है ना, तो नर्वस सिस्टम की जो प्रॉपर्टी है दैट इज़ प्रेजेंट इन द एनिमल्स, की जो नर्वस कोऑर्डिनेशन होगी वो सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स में होगी, जबकि बाकी प्लांट्स और अदर ऑर्गेनिज्म है, फंजाई हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हो गए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स हो गए, उनमें वो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती। जबकि हॉर्मोन्स वाली प्रॉपर्टी है, ये एनिमल्स में भी है, प्लांट्स में भी है, और बाकी ऑर्गेनिज्म्स में भी है, उन सब में ये एग्जिस्ट करती है। सो यू कैन ऑल्सो एट दिस इन अ पॉइंट के नर्वस सिस्टम में जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है दैट ओनली एग्जिस्ट इन द एनिमल्स, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ओनली एनिमल्स, वाइल हार्मोनल कोऑर्डिनेशन या केमिकल कोऑर्डिनेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म। तो ये आपका डिफरेंस भी हो सकता है। तो अगर मैकेनिज्म की तरफ बात करें कि मैकेनिज्म में इज वॉट, कि कैसे मैकेनिज्म होता है कोऑर्डिनेशन का, तो मैकेनिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन इज कम्प्लीटेड इन द थ्री फेजेज, ये थ्री फेजेज में कम्प्लीट होता है। उसको देखने से पहले हम लोग स्टिमुलाई की डेफिनेशन देख लेते हैं कि व्हाट इज स्टिमुलाई। इट इज़ द एनी चेंज इन इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, कि इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो भी चेंज होगी, किसी भी टाइप की चेंज हो रही है, दैट इज़ नोन एज स्टिमुलस, और इसका प्लूरल स्टिमुलाई होगा। चेंज, आप ये चेंज जो है आप को कोई आवाज़ दे रहा है, आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, ये भी एक स्टिमुलस है। आप मेरी तरफ अटेंटिव हो, स्टिमुलस है। आपकी मदर, आपकी अम्मी आपको कॉल करती है, आवाज़ देती है, उसके रिस्पांस में आप लोग उन्हें जी करते हो, उन्हें मतलब रिस्पॉन्ड करते हो, उनकी क्वेश्चन का आंसर करते हो, वो भी स्टिमुलाई था उनकी आवाज़। इसी तरह बहुत सारे स्टिमुलाई है जो कि एक्ट करते हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन हमारे पास थ्री फेजेस में कंप्लीट होती है। फेज़ वन दैट इज़ द रिसीविंग स्टिमुलस, फेज़ टू दैट इज़ द मैसेज टू द कोऑर्डिनेटर, फेज़ थ्री दैट इज़ द प्रोड्यूसिंग रिस्पॉन्स। नाउ फेज़ वन को देखते हैं कि वन सम चेंज अकर्स इन द और एक्सटर्नल एंड इंटरनल इन्वायरमेंट, कि जब कोई भी चेंज होती है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में या इंटरनल इन्वायरमेंट में, स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ द बॉडी फील दैट चेंज। ठीक है, तो एनी चेंज इन द इंटरनल इन्वायरमेंट या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट विल बी कॉल्ड एज स्टिमुलाई। तो वो जो चेंज क्या थी, जो किसी भी वजह से हो रही थी, वो स्टिमुलस हो गई थी। तो हमारे पास स्टिमुलाई किस टाइप की होंगे, लाइट भी हो सकती है, टच भी हो सकती है, साउंड भी हो सकती है, हीट भी हो सकती है, एक्सेट्रा, किसी भी टाइप का स्टिमुलाई जो कि जिसके जिसको रिस्पॉन्ड किया जाए, दैट इज़ अ स्टिमुलाई। तो क्या होता है स्टिमुलाई के लिए, कि बॉडी के कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो कि स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं।
इस पॉइंट को रिसीव करते हैं, मतलब ये ऐसा इस सिग्नल्स को रिसीव करते हैं, हम सिग्नल्स भी कह सकते हैं, लाइक लाइट भी एक सिग्नल का रोल प्ले कर रही है। तो बॉडी के वो पार्ट्स, बॉडी के वो ऑर्गन्स, वो टिश्यूज जो कि इस सिग्नल्स को, इस स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं, उसको फील करते हैं, इज नोन एज रिसेप्टर्स। ठीक है, ये रिसेप्टर हो गए। तो ये रिसेप्टर जो है ये कोई ऑर्गन भी हो सकता है, ये टिश्यू भी हो सकता है, इवन ये सेल भी हो सकते हैं, तो ये कोई भी चीज़ हो सकती है। तो हमारे पास ये था, तो सेंस ऑर्गन जो है वो दे आर द मेन रिसेप्टर्स ऑफ द बॉडी। आपकी बॉडी में सेंस ऑर्गन्स हैं, वी हैव द 5 सेंस ऑर्गन्स लाइक आई, ईयर, स्किन, टंग, नोस, ये सारे क्या हैं, ये बॉडी के मेन रिसेप्टर्स हैं और ये लोग भी रिसीव करते हैं। ठीक है, तो क्या था कि फिर इस तरफ फेज वन कंप्लीट हो जाता है, देन जाते हैं फेज टू की तरफ, दैट इज़ द मैसेज टू द कोऑर्डिनेटर्स, कि कोऑर्डिनेटर्स की तरफ मैसेज कन्वे करना, कोऑर्डिनेशन तो कोऑपरेट करके मिल के काम करना है, लेकिन जो ऑर्गन्स कोऑर्डिनेट करवाने में हेल्प करेंगे उसको कोऑर्डिनेटर्स कहा जाएगा, जो कि उसको असिस्ट करते हैं, हेल्प कर रहे हैं काम करने में, वो कोऑर्डिनेटर्स कहलाएंगे। तो मैसेज टू द कोऑर्डिनेटर्स में अब क्या होगा कि द रिसेप्टर्स विल सेंड द इंफॉर्मेशन ऑफ अ स्टिमुलस टू अ कोऑर्डिनेटर, कि रिसेप्टर ने कोऑर्डिनेटर्स को वो जो इन्फॉर्मेशन थी वो सेंड कर दी। नाउ द कोऑर्डिनेटर्स विल एनालाइज द सिग्नल, एनालाइज द इन्फॉर्मेशन, एनालाइज द डेटा एंड दे विल मेक द डिसीजन। वो उसको एनालाइज करेंगे और उसको डिसीजन लेंगे। अब नर्वस कोऑर्डिनेशन, एन सी से कंफ्यूज नहीं होना, ये शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है नर्वस कोऑर्डिनेशन, और सी सी फॉर द केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो नर्वस कोऑर्डिनेशन क्या है, उसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है ये कोऑर्डिनेटर्स हैं, और ये काम कैसे करते हैं, दे रिसीव द मैसेजेस एंड सेंड द मैसेजेस थ्रू द न्यूरॉन्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में ये लोग मैसेजेस को रिसीव भी करेंगे और उसको सेंड भी करेंगे, जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन में स्पेशलाइज्ड ग्लैंड्स आर प्रेजेंट, दैट इज नोन एज द एंडोक्राइन ग्लैंड्स, वो कोऑर्डिनेटर का रोल प्ले करते हैं, दे रिसीव्स द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स एंड सेंड मैसेजेस बाय सेक्रेटिंग हार्मोन्स इन द ब्लड। ठीक है, तो उसी हार्मोन की फॉर्म में ये लोग वो स्टिमुलाई रिसीव भी करेंगे और जो है मैसेज को भी उसी हार्मोन की फॉर्म में सेंड भी करेंगे इन द ब्लड। ठीक है, तो ये था इसका फेज टू। देन कम टूवर्ड्स द फेज थ्री। अब फेज थ्री में प्रोड्यूसिंग रिस्पॉन्स, स्टिमुलस भी रिसीव हो गया, कोऑर्डिनेटर ने इंफॉर्मेशन भी सेंड कर दी, अब एक्शन का रिएक्शन होना बाकी है। तो रिएक्शन कैसे होगा, रिस्पॉन्स जो है ना, अब जो क्या होगा कि कोऑर्डिनेटर क्या करेगा, उसने जो डिसीजन ले लिया था, दे विल सेंड द मैसेज टू द स्पेशल पार्ट्स ऑफ द बॉडी फॉर द प्रॉपर फंक्शन एंड दोज पार्ट्स आर नोन एज द अफेक्टर्स। अफेक्टर मीन जो कि अफेक्ट करेगा, जो कि रिएक्शन करेगा। तो इन नर्वस कोऑर्डिनेशन मसल्स एंड ग्लैंड्स आर द अफेक्टर्स, वाइल इन द केमिकल कोऑर्डिनेशन डिफरेंट टिश्यूज ऑफ द बॉडीज एक्ट एज द अफेक्टर। On the receiving the coordinator's message, the factor carry out actions according to their specialization. और जब वो मैसेज रिसीव कर लेंगे तो वो वैसा अपना रिस्पॉन्स शो कर देंगे। तो इसका एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि when the door of your house is knocked, जब आपके door का house knock होता है तो आपको वो sound सुनाई देती है knocking वाली, that sound is a stimulus. तो इस अब आप रिसेप्टर्स कौन होंगे, एट दिस टाइम योर ईयर इज रिसेप्टर। ठीक है, आपके ईयर्स जो है वो साउंड को, स्टिमुलस को रिसीव कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ साउंड एंड दे सेंड द मैसेज टू योर ब्रेन। नाउ व्हाट द ब्रेन विल डू, द ब्रेन विल एनालाइज द इंफॉर्मेशन एंड सेंड द मैसेज टू द मसल्स ऑफ योर लेग्स टू मूव, और आपके लेग्स के जो लेग्स के मसल्स हैं उसको मैसेज सेंड करेगा और बोलेगा नाउ मूव टूवर्ड्स द डोर, ओपन द डोर एंड चेक आउट हु इज एट द डोर। ठीक है, तो एंड टेक यू टू द डोर, देन सिग्नल्स आर कम्युनिकेटेड टू द हैंड टू मूव एंड ओपन द डोर। इसी तरह हैंड की तरफ भी सिग्नल्स जाएंगे और बोला जाएगा कि नाउ ओपन द डोर दैट यू हैव टू चेक आउट, राइट। तो आपको स्टिमुलस मिला था साउंड की फॉर्म में। आई होप सो यू हैव अंडरस्टैंड द टॉपिक। इफ देयर इज एनी क्वेरी यू कैन आस्क इन द कॉमेंट बॉक्स। थैंक यू गाइस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। अल्लाह हाफिज़। Take care. Bye-bye.